नमस्कार, सभी सेविका बहनों का स्वागत है पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पोषण ट्रैकर ऐप में होम विजिट कैसे करनी है, होम विजिट के दौरान आप लोगों को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और पोषण ट्रैकर ऐप में होम विजिट को लेकर नई जो अपडेट है वो क्या है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले तो आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप को इस प्रकार से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जो होम पेज पे देख रहे हैं, होम विजिट यानी कि जो ये आपका होम पेज हो गया, और यहाँ पे जो आप लोग होम विजिट देख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप होम विजिट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। या फिर नीचे आप यहाँ पे देखेंगे कि एक होम विजिट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो होम विजिट वाले ऑप्शन में चले जाएँगे। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो होम विजिट वाले ऑप्शन पर चले जाएँगे। हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं होम विजिट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पे आने के बाद अब आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक पेज खुल के आ जाएगा जिसमें कि आपको दिखाया जाएगा कि आज आपको कौन सा होम विजिट करना है। ठीक है, पहले आप लोग देखते होंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में डेली होम विजिट करने का ऑप्शन मिलता था। अगर आपने एक दिन होम विजिट नहीं किया तो वो आपका होम विजिट छूट जाता था और आपका लेट में चला जाता था, जिससे कि कई सारी दिक्कतें होती थी। अब जब नए अपडेट आए हैं तो इसमें आप लोगों को होम विजिट कैसे करनी है, कितने दिनों का समय आप लोगों के पास है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में विस्तार से समझाने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आने के बाद आपको तो देखने को मिल गया कि यहाँ पर कितना होम विजिट दिखा रहा है। अब यहाँ पर समझिए कि ये होम विजिट हमें कितने दिनों के अंदर कर लेनी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है आरम्भ तिथि यानी कि 11 सितम्बर 2023 से, और ड्यू टिल यानी कि अंतिम तिथि जो है वो 11 अक्टूबर का है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे एक मंथ का समय मिल चुका है यानी कि एक मंथ के अंदर आप कभी भी इसका होम विजिट कर सकते हैं। आप आज कीजिए या फिर कल कीजिए या 11 अक्टूबर के पहले कभी भी होम विजिट इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नए अपडेट में ये सारी चीज़ें बदलाव की गई है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जानते हैं कि होम विजिट कैसे करनी है। तो होम विजिट करने के लिए यहाँ पे आपको विजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। विजिट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आपने दौरा किया अंश कुमार, यानी कि ये जो अंश कुमार का जो होम विजिट दिखा रहा है तो क्या आपने इसके घर पर दौरा किया है, तो आपको क्या करना है, हाँ वाले पर सबमिट कर देना है। आप जैसे ही हाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हुडरे करके मैसेज आ जाएगा यानी कि आपका आज का जो होम विजिट है वो कंप्लीट हो चुका है। और फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है कि जारी रखे पे क्लिक कर देना है। करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि जो हमारा होम विजिट दिखा रहा था वो यहाँ से हट गया है। अब आपने जो होम विजिट किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि समाप्त वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका जो होम विजिट है वो यहाँ पर दिखाएगा कि आपने इस महीने कितना होम विजिट किया है और कब कब किया है, वो सारी रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बेसिकली पिछले महीने का रिकॉर्ड अब आप लोग यहां पे नहीं देख सकते हैं क्योंकि इस नए अपडेट के आने के बाद वो सारी डिटेल्स जो है पिछले रिकॉर्ड यानी पिछले महीने का रिकॉर्ड आप लोगों को यहां पे हटा दिया गया है। अब आप सिर्फ इसी महीने यानी करेंट मंथ का जो रिकॉर्ड आप सबमिट करेंगे वही सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। और बेसिकली आप लोग यहाँ पर कोई भी होम विजिट जो है वो आपको छोड़ना नहीं है, जैसे कि आप लोगों को काफ़ी लंबा टाइम मिल जाता है होम विजिट करने के लिए, तो आप लोगों को होम विजिट एक भी छोड़ना नहीं है। कम से कम आप लोगों को महीने में 60% से ऊपर जो होम विजिट है वो आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है ताकि आप लोगों का जो इंसेंटिव है वो मिलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैंने आपको होम विजिट के रिगार्डिंग जो भी जानकारी है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल का बटन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पोषण ट्रैकर ऐप से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी सेविका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।